मैं शोएब गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से है। हमारी जो अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं सब इंस्पेक्टर की, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं यहाँ पे वो डिस्कस किए गए। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट है हम सारा रीड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन बेसिस पे जो एलिजिबिलिटी रहेगी। हमारा रिटन एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट किया जाएगा या हमारा फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पहले, तो इस पे वो भी बात की है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी रहेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिस जो हमें क्वालिफाई करने। ओके, तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो गाइस अगर हम रीड करें यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपॉइंटमेंट होगी नॉन गेस्टेड रैंक की, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ JKSSB। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ये बता दिए कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी वो आपकी रहेगी JKSSB। ओके, क्योंकि जो भी नॉन गेस्टेड रैंक की पोस्ट होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके द्वारा होंगी, JKSSB के द्वारा। ओके, और अगर यहाँ पे हम बात करें इसी चीज़ को, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि जितनी भी वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की वो फिल्ड की जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द डायरेक्ट कोटा शैल बी रेफर टू द JKSSB। सारी की सारी वैकेंसीज रेफर की जाएंगी JKSSB को। ओके, और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कौन से एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ मेंशन कर दी हुई है कि जो भी एप्लीकेशन है वो इनवाइट किए जाएंगे बाय द JKSSB के द्वारा इनवाइट किए जाएंगे, और आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो इशू किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें अपेयर हो सके। ओके, तो और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की हुई है कि सिलेबस का थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया हुआ है, इसको फिर भी आपको एक फॉर्मेट में सिलेबस इसका पर्टिकुलरली मिल जाएगा। बट यहाँ पे बताया कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होगा, जो जिसमें सेक्शंस रहेंगे आपकी जनरल नॉलेज रहेगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ओके मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेज ऑफ IT पे बात की जाएगी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपके रीजनिंग पे वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश पे बात होगी एंड सर्च अदर एट्रीब्यूट्स। फिर भी आपको सिलेबस बताया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दिया गया है सिलेबस के बारे में। और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ और मेंशन की हुई है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर अपेयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शैल बी 6 times द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फील्ड अप इन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा वो पहले कंडक्ट किया जाएगा, जो हमारा फिजिकल टेस्ट होगा वो हमारा बाद में कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे वो 6 times रहेंगे, यानी कि आपकी अगर 800 वैकेंसीज हैं तो इसका 6 times आपका बन रहा है 4800। ओके, 4800 जो कैंडिडेट्स होंगे वो कॉल किए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, और यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट होगा। ओके, और यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट उनको इन फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करना है। जैसे आपकी हाइट होगी वो उसके लिए जो बताया 5'6" आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और चेस्ट बताइए अनएक्सपेंडेड ओके तो वो आपकी रहेगी 32 inches, और आपकी जो एक्सपेंड करके देखी जाएगी वो देखी जाएगी 33.5। ओके, तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए बताया, आप यहाँ पे रीड कर लें 5'2" इनकी मिनिमम बताई हुई है, और जो गुरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनकी जो हाइट होगी उनको 2 inches का रिलैक्सेशन है। ओके, और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें द कैंडिडेट वो मीट द पो फिजिकल स्टैंडर्ड जो इन यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें हमारा रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग रेस रहेगा। ओके, तो एंड पुशअप्स रहेंगे। लॉन्ग रेस में आपको क्या करना पड़ेगा, 1600 meters कवर करना पड़ेगा आपको 6.5 minutes में। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आप पुशअप्स कितने आपके 20 pushups होंगे कंसीडर किए जाएंगे, 1 cycle ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको एज अ 1 काउंट किया जाएगा, तो इस तरह आपके 20 pushups होंगे। ओके, और आप यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी रीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनको शॉर्ट पुट एक अलग से इंट्रोड्यूस किया है फीमेल के लिए, आयरन बॉल आई थिंक ऐसा होगा जिसका वेट यहाँ पे बताया हुआ है 4 kg, तो उसको आपको थ्रो करना पड़ेगा। ओके, तो और अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, तो और यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है
द सेलेक्टेड कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जामिन टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। ठीक है, मेडिकल फिटनेस जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, उनकी फिजिकल और मेडिकल फिटनेस चेक करने के लिए। ओके, और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होनी चाहिए आप। ओके, और यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 28 साल के बीच में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे गाइज इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप इसको डिटेल रीड अगर आप करना चाहते हैं और तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट था, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना। थैंक यू गाइज, बाय।